एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैंने अपना वीडियो स्टार्ट किया है और मेरा जो है घर का मोटा मोटा सा काम ख़त्म हो गया है और छोटे छोटे काम स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि वैसे मैंने सारी साफ़ सफाई जो है घर की कर दी है। पर अब तो वही है कि घर खाली है बिल्कुल, घर में सामान तो कुछ भी है नहीं। अब इस घर में सामान लाना है और इस घर को सजाने का, सब कुछ करने का जो टाइम है वो स्टार्ट हो गया है अब। वैसे सारा काम ख़त्म हो चुका है, एक दो चीज़ें हैं अभी, किचन विचन की रह रही है और थोड़ा सा काम बिजली का रह रहा है। वो तो देखिए बाद में जैसे जैसे हम रहते रहेंगे वो तो कुछ ना कुछ चीज़ें होती ही रहती हैं। और कुछ मुझे कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप तो पतले भी हो गए हो, तो जी हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा असर हो गया है। मुझे लगता है कि कम से कम मेरा 5 से 6 किलो वज़न घट गया होगा इन दिनों, क्योंकि जब आपके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा ही बर्डन सा होता है ना, तो थकावट हो ही जाती है, फिर आराम नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। दिन में बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता है, दिन तो पूरा ऐसे ही जाता है और रात में भी काफ़ी लेट हो जाता है, क्योंकि मुझे वीडियो की एडिटिंग भी जो है वो रात में ही करनी पड़ती है, दिन में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। मैंने सोचा चलो जी वीडियो स्टार्ट करते हैं अभी और मिलते हैं आप लोगों से। आगे वीडियो देखिए, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो अभी मैं मांटू के हाथ पैर मल रही हूँ अच्छे से, क्योंकि जब से मैं हम यहाँ पे आए ना, काम में इतना ज़्यादा बिजी हो रही हूँ कि मैं मांटू के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। मेरे मन को संतुष्टि नहीं मिलती है जब तक मैं उसका सर ना धुल दूँ या फिर जब तक उसको अच्छे से उसके हाथ पैर ना मल दूँ, क्योंकि वो नहा तो लेती है अपने आप से पर मुझे शांति नहीं होती कि पता नहीं उसने हाथ पैर को नहीं मले होंगे। वैसे हर माँ यही सोचती है, हमारी मम्मी भी ऐसे ही करती थी। मैं अब काफ़ी बड़ी हो गई थी, जब तक मम्मी मेरा सर धुलना मुँह धुलना ये अपने आप से तो चेहरे पर साबुन लगाती ही नहीं है। और बस मैंने सोचा चलो आज मांटू के अच्छे से सरवर धुल देती हूँ। फिर मैंने गोपाल जी के कपड़े भी थे वो भी अच्छे से सर्फ में को निकाल दिए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही धूल मिट्टी में हो रखे थे। तो अभी मुझे जो है वो अपना बाकी का काम भी करना है। पहले मैं मांटू के जो है बाल कंघी करूँगी, क्योंकि उसका अच्छे से हेयर वॉश किया है, वो पता नहीं इलझा लेती है बालों को ना बहुत ही उससे। और मैंने इसके ना मांटू की साबुन वाबुन भी ख़त्म हो रही है तो वो भी मुझे मंगानी है। अभी जो डेली में हम साबुन इस्तेमाल करते हैं वही ये इस्तेमाल कर रही है। बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा ही वो होती है तो फिर मैं इसकी साबुन वही मंगाऊंगी, जॉनसन्स बेबी की ही या फिर हिमालय की साबुन मैं इसके लिए इस्तेमाल करती हूँ, तो वही मंगा लेंगे। और बस इतना करके इसको तैयार करके फिर टाइम हो गया था खाना बनाने का। और अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पर भिंडी, और उसी के साथ में करते करते जो है बीच में आ गए मिस्त्री, हमारे किचन में काम रह रहा था वो करने के लिए, तो वो भी फिर मेरा खाना बहुत लेट हो गया था। इसी तरीके से बस पूरा दिन काम चलता रहता है। और अभी जो हैं भैया भी आ गए हैं, ये स्लैब जो हमने लगवाया है ना ऊपर ये अच्छे से भी सेट नहीं हुआ है, मज़बूत नहीं है, सामान रखेंगे तो गिर भी जाएगा और टेपिंग भी करनी है तो वो काम रह गया था, उसी काम को करने के लिए आए हैं। और एक मैंने और छोटा सा जो है ऐसे ही लकड़ी का वो लगवाया है नीचे की तरफ में, ताकि मैं उस पर भी अच्छे से अपना सामान रख सकूँ, वो भी मैं आप लोगों के साथ में बहुत जल्दी ही शेयर करने वाली हूँ। और मुझे ना आप लोगों से एक छोटी सी हेल्प चाहिए, प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प कीजिएगा। बहुत ज़्यादा मक्खियाँ हैं, मैं कितनी भी साफ़ सफाई कर लूँ, कितना भी फिनाइल से पोछा लगा लूँ, हीट लगा दूँ, पर मक्खियाँ पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा आ रही हैं। क्या आपके पास में कोई ऐसा नुस्खा है जिससे आप मुझे बता सकें तो मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, प्लीज़ आप लोग बताइएगा ज़रूर। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मक्खियों से, मुझे मक्खियों से दिक्कत बहुत ज़्यादा है। और एक दिन तो मैं भूखी भी रही थी मक्खियों के चक्कर में ही ना, क्योंकि मुझे मन ही नहीं माना फिर खाना खाने का। अपनी तरफ से पूरी साफ़ सफाई करने की कोशिश करती हूँ पर पता नहीं कहाँ से जो है ये मक्खी इतनी ज़्यादा आ रही है। गांव में बोलते तो हैं कि गांव में बहुत ज़्यादा मक्खियाँ आती हैं,
पर मुझसे नहीं हो पाता है, आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर अगर कोई है ऐसा नुस्खा। तो यहाँ पर मैंने सब्जी को छोंक लगा दिया है, अभी भिंडी बनाई है और मट्ठा भी छोंकना है मुझे, क्योंकि सूखी सब्जी है ना, तो सूखी सब्जी के साथ में मट्ठा वट्ठा चाहिए ज़रूर। और देखिए साथ के साथ में मैं अपनी सारी क्लीनिंग करती रहती हूँ फिर भी मक्खियाँ आती हैं। तो अभी ये भैया काम ही कर रहे थे किचन में, फिर जब ज़्यादा ही लेट हो गया, और देख रहे हो आप लोग सामने यहाँ पे भी जाली लगवा दी है, और मैंने फिर भैया को ही हटाया, मैंने कहा भैया मैं खाने पीने के लिए बहुत लेट हो जाएगा, फिर अंकल जी को भूख भी लग रही है तो वो सारी चीज़ें भी टाइम से करने, सुबह का नाश्ता ही किया था और भूख लगी आती है, वो काफ़ी टाइम हो रहा है, 1 बज रहा है दोपहर का। तो बस मैं यहाँ पर मैंने कहा भैया पहले मैं ना खाना बना लेती हूँ, और उधर दूध निकल गया था तो दूध को पकड़ा है मैंने, मतलब हम कितने ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड होती है ना। और देखिए मैं इस तरीके से साफ़ सफाई करती रहती हूँ, जैसे जहाँ मक्खियाँ बैठती हैं साथ के साथ में कपड़ा मारती रहती हूँ, फिर भी यार बस बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इन सब चीज़ों से ही, मक्खी से ज़्यादा परेशान हूँ, मतलब कि पता नहीं अजीब सा मन हो जाता है फिर मेरा देख करके। तो यहाँ पर मेरी सब्जी बन चुकी है, और हमारी जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो तो हमारे चौधरी साहब भी कर रहे हैं, बहुत हेल्प करते हैं मेरी, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं, जैसे कि काम मुझे हो रखा है ज़्यादा और काम इनको भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, घर पूरा समेटा है, अभी तो सिमटा भी नहीं है, बस ये है कि हाँ सामान रखा गया है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि होनी अभी बाकी हैं, आगे आगे आप लोगों को दिखाती ही रहूँगी। न पड़ेगी तो छोटी, पर हाँ जो है बतेरी। रुक जा बेटा, तो फिर मैंने किचन समेटी, इन्होंने मेरा भी खाना डाल लिया, कह रहे तू बर्तन ना बाद में साफ़ करियो, पहले तू खाना खा लो फिर ठंडा हो जाता है, मैं घी की रोटी नहीं खाती हूँ ना, सूखी रोटी खाती हूँ तो ठंडी होके थोड़ी सी अजीब सी तो हो ही जाती है, कह रहे तुझे सूखी रोटी खानी है फिर तू इसको बिल्कुल मतलब कि ठंडी करके खाएगी, तो पहले खाना खा ले बर्तन वर्तन साफ़ बाद में कर लियो। और बस अभी जो है ना ये इवनिंग का भी टाइम ही हो रहा है, 2:30 बज रहे हैं, तो अभी मेरी सारी ननदें आई हैं, जी हाँ आज मैं आप लोगों को अपनी सारी ननदों से मिलाऊंगी, अभी तक आपने मेरी एक ही ननंद देखी होगी, तो यहाँ पर सारी जो दीदी हैं वो आ रही हैं, मेरी ननंद हैं ये सब, और आज आप लोग सबसे ही मिलोगे, तो उनके लिए मैंने चाय वाय बनाई है, अभी हम बैठेंगे खूब सारी बातचीत करेंगे और आप लोगों से भी मिलवाऊँगी। चलिए मिलते हैं हमारी ननंद रानियों से।
और अभी हम यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं, तो चलिए मैं आप लोगों का ना इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ना येलो सूट वाली, जो थोड़ा सा हेल्दी हैं, वो मेरी सबसे बड़े वाली ननद है, और ये थोड़ा सा बीमार रहती हैं, और तो उस वजह से इनका जो मतलब वो है वो थोड़ा सा वेट बढ़ गया है। और जो सामने बैठी है पीले वाली, पीला सूट पहना है, चुन्नी डाली हुई है, जयपुरी, तो वो उनसे छोटी हैं, और जो बीच में है वो सबसे छोटी है। आप लोगों का भी मन लग रहा होगा ना देख करके, कितना अच्छा लग रहा है ना, भरा पूरा परिवार ये बहुत खुश है, जैसे हम यहाँ पे आए हैं ना, बहुत खुश है सभी लोग। और हमने यहाँ पे ढेर सारी बातचीत की है, ताई जी बैठी हुई हैं, मेरी ताई सास हैं जो आप देख रहे हैं, बैठी हैं इधर, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी आदत है इनकी, मुझे इनकी आदत बहुत अच्छी लगती है। एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ना वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट जरूर करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो और वीडियो को लाइक करते हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक और मुझे कमेंट जरूर करें, और अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अभी टाइम हो गया है शाम का, सब लोग चले गए थे, फिर मैं अपने काम पर लगी थी। जिस दिन से ये मशीन आई है ना, उस दिन से मशीन साफ़ नहीं हुई है, तो मुझे मशीन को अच्छे से साफ़ करना था, तो आज मैंने इसको बहुत बढ़िया तरीके से जूने से मल के बढ़िया तरीके से एक एक निशान, दाग, धब्बा सब साफ़ कर दिया है। मैंने कहा चलो आज मशीन का भी नंबर आ गया, इसको बढ़िया तरीके से जूने से साफ़ करते हैं। एक जूना मैंने ऐसे ही बना रखा है मशीन साफ़ करने के लिए, बाल्टी वाल्टी धुलने के लिए, तो उससे अच्छी हो जाती है। और बहुत निखर गई थी, बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि जैसे बिल्कुल नई मशीन है। मैंने बहुत मेहनत की, मुझे आधा घंटा लगा इसको साफ़ करने में। अभी ना मैं अपना सारा काम वाम ख़त्म करके और अभी लेटी थी, मैंने सोचा चलिए आप लोगों से बात करके इस वीडियो का एंड कर देती हूँ। मेरा दो दिन से बीपी लो हो जाता है, पता नहीं धूप की वजह से होता है। काम सारा कर लेती हूँ, सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं निपटा के तब मेरा बीपी थोड़ा सा होता है। अभी मैंने एक गिलास नींबू पानी पिया है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा वो होगा, थोड़ी देर लेटूंगी, अभी मेरा काम पड़ा हुआ है और शाम का खाना पीना भी अभी मुझे बनाना है। तो मैंने सोचा सबसे पहले तो इस वीडियो का एंड कर देती हूँ, और अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप भी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आंखों के सामने ना जाला सा पूर रहा है, मुझे साफ नहीं दिख रहा। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ ना, तो चश्मा भी नहीं लगा पा रही हूँ बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा काम हो गया है अभी। और अभी तो है, अभी तो पता नहीं काम वाम तो नहीं अभी ख़त्म होगा, अभी तो बहुत काम बाकी है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। अभी हमने और बहुत सारी चीज़ें आगे के लिए सोच ली है, वो भी सब चीज़ें करानी है, और थोड़ा सा इस टाइम पर बॉडी साथ छोड़ रही है। ख्याल तो रखती हूँ मैं अपना भी, पर इतना नहीं रख पाती हूँ जितना रखना चाहिए। थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसको, केयरलेस अपने आप को लेकर के हो रही हूँ, जो कि अच्छी बात नहीं है। मैं ठीक नहीं रहूँगी तो ये सब चीज़ें सब काम कैसे होंगे, अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। और तो चलिए गाइस अभी इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ, थोड़ी सी देर रेस्ट करूँगी और फिर अपना खाना पीना बनाना है, बाकी का काम भी देखना है। तो मिलेंगे आप लोगों से एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। कोई भी आप लोगों का सुझाव, क्वेश्चन कुछ भी है तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं, मुझे नेल पेंट लगाए भी ना पता नहीं कितने दिन हो गए, जब से मैं वहाँ से आई हूँ मैंने नहीं लगाया है, नेल पेंट भी नहीं लगाया है। चलो जी, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए।